तो सीएम साहब, हमारी आपसे अपील है कि अगर आपके आसपास सलाह देने वाले लोग इस समय आपको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज आप अपने आप सोचें कि ऐसे हालात में क्या हमको। उत्तराखंड की नौनी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज पहाड़ की बेटी एक दर्द, एक पीड़ा और कुछ सवाल लेके आप लोगों के सामने पहुंची है, और उम्मीद है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपने दिल की बात रखेंगे और इस तरह की कोई ना कोई कसक आप लोगों के मन में भी होगी। जैसा कि केंद्र सरकार ने मंगलवार की रात यानी कि कल रात 6 जीवन रक्षक ऑक्सीजन कंटेनर उत्तराखंड भेजे, जिनमें की 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर्रावाला रेलवे स्टेशन मंगलवार की रात 9:30 बजे पहुंच गई थी, और इनमें से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने बुधवार की सुबह यानी कि आज हरी झंडी दिखाकर आगे अलग अलग जगहों के लिए रवाना किया। तो एक सवाल हमारे मन में है, मुख्यमंत्री साहब, हमारी सरकार या बाकी के सभी दल और लोग, आप सभी से, कि क्या ऐसे इमरजेंसी जैसे हालात में, जबकि हर जगह त्राहिमाम हो रखा है, लोग ऑक्सीजन की कमी से लगातार दम तोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या मंगलवार रात 9:30 बजे से बुधवार की सुबह तक सिर्फ हरी झंडी के इंतजार में इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमें रोक के रखना चाहिए था? हमें इन ऑक्सीजन को आगे रवाना नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस समय हरी झंडी और शुभारंभ जैसे कार्यक्रम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये सवाल है हमारा आप सभी से। अभी 10 मई को, 2 दिन पहले, सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी पहल की गई, हम सराहना करते हैं। कोरोना को हराने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन उस प्रोग्राम का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री साहब के हाथों होना था, तो पब्लिक को रुकना पड़ा, 2 से 3 घंटे तक लोग वेट करते रहे। सीएम साहब आए, शुभारंभ हुआ, उसके बाद टीकाकरण शुरू हुआ, लेकिन सीएम साहब वहां दलबल के साथ पहुंचे, लोगों में फोटो खिंचाने की होड़ मच गई और भीड़ इस कदर हो गई वहां पर कि जो लोग टीकाकरण कराने गए थे वो डर गए। लोगों में यही चर्चा होने लगी कि हम यहाँ कोरोना को हराने आए हैं या कोरोना को लेने आए हैं। यही नहीं, ऋषिकेश में भी यही हालात बने। विधानसभा अध्यक्ष जी वहाँ टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के लिए लेट पहुंचे, भीड़ जुटने लगी, लोगों ने हंगामा कर दिया, हाय हाय के नारे होने लगे, और इन सभी चीजों का माहौल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार बन रहा है। तो सीएम साहब, हमारी आपसे अपील है कि अगर आपके आसपास सलाह देने वाले लोग इस समय आपको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज आप अपने आप सोचें कि ऐसे हालात में क्या हमको शुभारंभ जैसे आयोजन करने चाहिए? क्या हम लोगों को मखौल उड़ाने का मौका खुद नहीं दे रहे हैं? प्लीज आप लोग भी इस समय पैनिक क्रिएट ना करें, और आप लोगों को भी सरकार या सीएम साहब तक कोई बात पहुंचानी है तो उत्तराखंड की नौनी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चलता है, आप लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बजाय कि आप लोग सोशल मीडिया में जाके सरकार का मखौल उड़ाएं, इसकी जगह आप लोग एकजुट होकर सीएम साहब को सही तरीके से अपने सजेशन पहुंचाएं, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई नया काम करता है, तो उनका साथ देना बनता है, ना कि मखौल उड़ाना। तो सीएम साहब प्लीज, हालात इस समय बहुत ही ज्यादा बेकाबू होते जा रहे हैं, और आप और आपकी सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं, जो कि बहुत अच्छे हो भी रहे हैं, उत्तराखंड की नौनी उसको अप्रिशिएट भी करती है। तो प्लीज इस समय इस तरह के आयोजन से थोड़ा बचा जाए, ताकि भीड़ भाड़ से आप भी दूर रहे, आप भी सेफ रहे, और लोगों को भी भीड़ जैसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, और प्लीज उत्तराखंड की नौनी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। और देखिए आप कुछ दृश्य किस तरह से 6 ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचे उत्तराखंड में, और किस तरह से इन्हें हरी झंडी दिखाई गई, और क्या कुछ रहा टीकाकरण अभियान में। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की नौनी आपके लिए इसी तरह की जानकारी लाती रहती है और लाती रहेगी।